दोस्तों, कमजोर हाजमा, बदहजमी, गैस की समस्या, खट्टी डकार आना, ऐसी समस्याओं के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन के साथ में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। यह जो मेडिसिन है लोयन कंपनी की पाचनवटी है। पहले यह मेडिसिन आम पाचनवटी के नाम से आपको अवेलेबल होती थी, लेकिन अब इसका नाम बदल करके लोयंस का पाचनवटी कर दिया गया है। बात करते हैं इस मेडिसिन के मुख्य इन्ग्रीडियंट्स के बारे में। तो इस मेडिसिन को तैयार करने के लिए सौंठ का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सूखा हुआ अदरक लिया जाता है, उसके साथ में सेंधा नमक, जवा खार लिया जाता है, उसके साथ में सौंफ मिलाई जाती है, सोबरचल नमक इसमें मिलाया जाता है, पीपल मिलाया जाता है। इस तरह से कुल लगभग 10 इंग्रेडिएंट लेकर के इस मेडिसिन को, टैबलेट्स को तैयार किया जाता है। यह जो मेडिसिन है काम आती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी डाइजेशन की पावर को बढ़ाने के लिए। जैसा कि इसका नाम है पाचनवटी, तो उससे ही हमें पता चलता है कि यह खाने को पाचन करने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। आमतौर पर जो कुछ भी हम खाते हैं उस खाने को पेट के अंदर जब एसिड्स की रिएक्शन होती हैं तो उस रिएक्शन के द्वारा खाने का एक आहार रस बनता है। अगर यह आहार रस आगे डाइजेस्ट हो जाता है तो यह हमारी सप्त धातुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और अगर ये आहार रस ही डाइजेस्ट नहीं होता है, कच्चा ही पड़ा रहता है, तो उसके द्वारा आम दोष की उत्पत्ति होती है। यह आम दोष जो है शरीर में सारे रोगों को पैदा करने का मूल माना गया है आयुर्वेद के अनुसार। तो यह जो पाचनवटी है यह आम दोष को पचाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में एसिड का सिक्रीशन तो बहुत होता है, लेकिन एसिड कमजोर होने की वजह से वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, खाने का जो भी आहार रस बन रहा है उसको भी फर्दर जो है पका नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में यह पाचकवटी जो है काफ़ी अच्छा लाभ करती है। इसका सेवन करने से ना सिर्फ गैस्ट्रिक जूसेस जो एसिड्स है, HCL है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि जो कुछ भी आप खाते हैं उसका डाइजेशन टाइमली और इफ़ेक्टिवली हो जाता है। आहार रस को भी पका करके यह रस धातु में परिवर्तित करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के घंटों बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे उधर प्रदेश में भारीपन है, खाया गया भोजन अभी पेट में ही रखा हुआ है, भोजन नीचे की तरफ को सरकता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए यह पाचनवटी जो है बहुत ज़्यादा गुणकारी रहती है। उसके अलावा इनडाइजेशन की समस्या के अलावा आप इस मेडिसिन को पेट में वायु बनने, पेट में गैस का गोला बनने, पेट में हवा घूमते रहने की कंडीशन में भी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको पेट में गैस भर जाने की वजह से अफारा आ जाता है, ऐसे लोगों के लिए गर्म पानी के साथ में इस टैबलेट का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा जिन लोगों को गैस पास नहीं हो रही है या डकार बहुत ज़्यादा आ रही है, डकार में जो है खाए पिए खाने के सड़ने की गंध होती है, ऐसे लोगों के लिए पाचनवटी काफ़ी अच्छी रहती है। चूँकि यह वायु को अनुलोम करती है तो डकार आना बंद होकर के और खुल करके गैस पास होकर पेट में हल्कापन आ जाता है। बात करते हैं कि यह टैबलेट्स आपको कितनी मात्रा में कब और कैसे सेवन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ इस तरह की गोल गोल हैंडमेड टाइप की टैबलेट्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं, और ये जो टैबलेट्स हैं आपको एक समय में 2 से लेकर 3 गोलियां सेवन करनी है। मुंह में डाल करके इनको चूस लीजिए, काफ़ी अच्छा इसका जो है टेस्ट आपको रहता है, और इनको खाने के बाद में अगर थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी आप पी लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है रहती है। यह डोज नॉर्मल एडल्ट इंसान के लिए है। अगर 1 साल से लेकर 5 साल तक की आयु के बच्चे हैं तो उनको आधा से एक गोली दिन भर में 2 बार आप चूसने के लिए दे सकते हैं, और अगर 5 से लेकर 16-17 साल तक की आयु के लोग हैं तो उनको 1 से लेकर 2 गोली आप दे सकते हैं दिन भर में 2 अथवा 3 बार। बात करते हैं कितने लंबे समय तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो एज अ डाइजेस्टिव पिल्स आप इनको लंबे समय तक सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान यह रखना है आपको कि चूंकि इसके अंदर नमक आदि का प्रयोग काफ़ी प्रमुखता के साथ में किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यह ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को कई बार माफिक नहीं पड़ती है। जो हाइपरटेंशन के रोगी हैं इस टैबलेट का सेवन करने से उनका ब्लड प्रेशर का लेवल थोड़ा सा शूट अप होते हुए देखा जाता है। तो बीपी के पेशेंट इस मेडिसिन को सेवन ना करें, और अगर सेवन कर रहे हैं तो रेगुलर अपना जो है बीपी को वो मॉनिटर करते रहें। बात करते हैं कि इस मेडिसिन की प्राइसिंग कितनी है और आपको ये मिलती कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है लोयन कंपनी की पाचनवटी, यह अलग अलग पैकिंग में आती है। जैसे मेरे पास फिलहाल ये 100 टैबलेट्स की पैकिंग है, इसके अलावा 200 गोली की, 500 गोली की बड़ी पैकिंग्स में भी आपको अवेलेबल होती है। 100 टैबलेट की जो ये पैकिंग है 80 रुपीज़ इसके ऊपर MRP मेंशन की गई है। आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से ही है आपको अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो सबसे इजीली आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ इस पाचन वटी के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप आदि पर आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।